नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो सांदी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़ सुन के बैठे वाला हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता बिंद महानुभाव लोग दोस्त लोग में हम फिर से सवेरे सवेरे के गर्मा गर्म नमस्कार कहे के चाहत नहीं और कार्यक्रम में स्वागत करके चाहत नहीं। कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में आज फिर से हम मनोज पटेल हाजिर बानी और देश दुनिया के विषय में हमने छलफल करे के साथ में आज उपस्थित हो गए बानी। चाहे अत्याचार भ्रष्टाचार रूढ़िवादी होके विकास रोजी रोटी के बात होके चाहे गरीबी बेरोजगारी के बात होके हर विषय हर पहलू पर हमने कार्यक्रम आमने सामने में चर्चा करी रहे हैं। और आज देश के जौन राजनीतिक मोड़ बा विषम परिस्थिति में आके खड़ा हो गया बा और नेकपा भीतर के विवाद से सदन के बैठक सदन के जौन बा विघटन हो गया बा और तत्कालीन अवस्था में अभी देश के एगो राजनीतिक अनियमितता कायम हो गया बा। अभी भी नेकपा पार्टी भीतर के विवाद अभी भी बढ़िया से सलटल नहीं खे दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप अभी भी लागते आ रहा बात आदि इत्यादि विषय पर चर्चा करे खातिर आज हमनी के साथ में बानी संविधान सभा सदस्य बिचारी यादव। नेकपा के आंदोलन में लंबा इतिहास बा उनकरा साथ में और बड़का आंदोलन देखले बानी कम्युनिस्ट आंदोलन में वहाँ शरीक भइल बानी बिचारी यादव जी के अपना अनुभव अभी इनके अवस्था के उनकर प्रतिक्रिया और आगामी कार्य दिशा के विषय में भी हम उनकरा से छलफल करें। सबसे पहले बिचारी जी के कार्यक्रम में हम स्वागत करे के चाहें। बिचारी जी कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद जी। अभिन बिचारी जी देश के जौन राजनीतिक संकट जौन गहरा होते जा रहा बा अपने के पार्टी भीतर के विवाद से सदन के विघटन कल गेल कह के आरोप प्रत्यारोप लाग रहा बा और अपने के पार्टी भीतर के विवाद अभियो भी बढ़िया से सलटल नहीं के दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लागते आ रहा बा तो का बा प्रतिक्रिया अपने एगो कम्युनिस्ट आंदोलन के योद्धा बनी लंबा आंदोलन अपने कम्युनिस्ट लोग के भूमिहीन के खातिर गरीब के खातिर किसान के खातिर अपने आंदोलन जोन चले नहीं वो आंदोलन अब कहाँ पहुंचल बा। जोन आरोप जोन इन्हें से आरोप होने लगा था उन्हें का आरोप पे जो इन्हें लगा था जी जी ये अभी ने खास कही तो एक ठाम में रह के जी जी जो आरोप जो टूपल रख टूपल झाकल जो रख नो जी 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 अभी खुलता का जी 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 अभी खुलो भी जरूरी है का माने दूध के दूध पानी के पानी होके के परल जनता के बीच में एकदम होके के परल ऐसे कि अब घाव उड़े कितना दिन पोस के रखे घाव अगर अगर के तीर के बावावत नहीं की तो वो रौरा दिन में टपकत रहे तो इसे का बाकी आरोप और जो आरोप बा वो एकदम शुद्ध हिसाब किताब से ही होके के भी चाहिए खुद भी बा एक रगे खराबी भी ना कहे पार्टी जो दू चीरा में जा रहा है पार्टी जो दू चीरा में जा रहा जी 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 अब पार्टी जो दू चीरा में जा रहा बा तो ऐसे कि कुछ लोग ऐसा बा कि अब देखो जाम कम्युनिस्ट के नाम जो अपने रखने हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग के बहुत बड़ा बड़ा इतिहास बा जैसे केपी ओली के कहा जाए तो बहुत बड़ा इतिहास हुआ जी। अपने लोग कहनी कि किसान के परिवर्तन होई किसान के विकास होई एकरा खातिर आंदोलन चलेनी सरभारा लोग के अपने आवाज उठाईनी मजदूर के आवाज किसान उठे अपने लोग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उठेलक लेकिन अपने के जनमत भी मिलल लेकिन जनमत के तो अवमूल्यन हो रहा बा बिचारी जी। जनमत के जौन किसान या चाहे जौन यहाँ के नेपाल और राज्य के जनता कम्युनिस्ट विचार के देख के सुन के काम देख के जो मत दिलक वो मत दिला के बाद में भी आज इतना द्वितीय बहुमत होते हुए भी केपी ओली जी अपना कुर्सी के लागी अपना कुर्सी के लागी ये पूरा देश के बुरा दलक देश एगो कुर्सी खातिर देश के विनाश में चल गए। देखो जाओ यहाँ उनकर जो रवैया जो भैल हन जो संविधान के उल्लंघन करके
स्वतंत्र पर खतरा करके उ हिसाब किताब उनका कैला के वजह से भी कुछ लोग उनका संगे लागल बा और कुछ स्वार्थपन से लागल बा। कम्युनिस्ट विचार बोके वाला लोग ऐसा ऐसा लोग के संगे ना लागे। जी बिचारी जी तो अब मान लेनी अभिन के अवस्था में वर्तमान अवस्था में दू गो पार्टी एक भइल तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी और नेपाल नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एमाले पार्टी और दोनों पार्टी अपने लोग एकीकरण करके आगे बढ़ दी सरकार भी अपने लोग के हाथ में रहे। लेकिन अब तो सिचुएशन ये हो गई बा कि अपने लोग के भी साथी लोग कुछ साथी लोग उ खेमा में चल गई बा कुछ ओने के साथी लोग ई खेमा में आ गई बा तो बिहान फेरू अब तितर बितर हो गई बा एने के लोगों ने ओने के लोग एने हो गई बा ई सब जौन दिशा दिखाई दे रहा बा बिहान फेरू अपने जनता के बीच में जाएम का कहेम अपने लोग कम्युनिस्ट आंदोलन अभी भी बाकी बा अभी भी अपने लोग जनता के अब कैसे भरोसा दे आएम कि जनता के समस्या के समाधान खातिर जनता के विकास खातिर कम्युनिस्ट ही पार्टी एक एकमात्र पार्टी है सर्वोपरि कैसे जनता के विकास विश्वास दिलाएम अपने। देखो जाओ ये सीखा बा कि पार्टी जोन बाटे पार्टी एने उने देखे नु गए जी जी पार्टी तो अपना जगह पर बा अब केपी ओली जी जोन घटना घटेल बा तो केपी ओली नु कहेल बा तो और कहल की पार्टी तो हमनी के जोन पार्टी जोन बाटे पार्टी तो अपने एक जगह में बा। अब देखो जब दूध के दूध या पानी के पानी तो एकदम क्लियर हो जाए अब देखी ना रे अब 435 गो केंद्रीय सदस्य में एक तरफ अपने के 315 गो केंद्रीय सदस्य बा अपने मीडिया कर्मी बोले बानी जी 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 अपने आई सिग्नेचर के साल में देखते बानी ओकरा पर भी जाल झेल करके भी जनता के बतावे के ना पड़ी जनता एक बहुत चलाक बा जैसे हमने कम्युनिस्ट पार्टी है भाई सब हमने के बतावे के ना पड़ी जनता एक क्लियर बा की अब रह गल की फिर 500 केंद्रीय सदस्य रोड पर से उतार के लिया के जमा करे के और लिया के केंद्रीय कमिटी में रख के शपथ खियावे के ये कम्युनिस्ट बा चाहे जनता बा वो बुझता दू कम्युनिस्ट पार्टी के कौन पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी कौन है कौन कम्युनिस्ट पार्टी में रहे के चाहिए कौन कम्युनिस्ट पार्टी के दाह हमने तो अपन विचार रख सकते हैं जी। तो अब कैसे हुई पार्टी अब कौन खेमा के हाथ में रही पार्टी अब तो पूरा विवाद एकदम अब आ गई अब एमें कुछ लुकाए चुरावे वाला बात नहीं है अपने कह तनी कि 300 के बात अपने कहनी है 315 के बात कहनी है लेकिन आयोग में जो बुझाओल गई बा अपने के पार्टी के तरफ से चाहे कहल जाओ तो प्रचंड और नेकपा नेपाल माधव नेपाल के समूह से जौन बुझाओल गई बा अपने के ओमे तो जमा 287 जने के ही हस्ताक्षर बा 315 आदमी रहे मगर और लोग के सही जो 287 को रहे जी जी ऐसे उपचारिक के जो अपने के 315 को जो रहे मगर सही शनाख्त उतना भई रहे जी जी माने सही जितना भइल बा उतना देखल जाओ अब जाल झेल करे वाला जैसे माधव नेपाल ग्रुप है चाहे प्रचंड ग्रुप ई लोग जाल झेल करे वाला नहीं के जितना सिग्नेचर रहे उतने बुझाव रहे मगर उन पर उतना लोग के भी आवत आवत में भी थोड़ा सा छूट गई बा कहीं बाहर से आवत आवत में कमेंट लोग के पर गई के हिसाब से लेकिन कुल केंद्रीय सदस्य के 441 केंद्रीय सदस्य के बहुमत अपने लोग के साथ में बा 435 जी 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 हाँ 435 तो ओली जी भी मंगलवार के जौन बुझेले बानी मंगलवार के वहाँ भी अबेर मंगलवार के 1199 सदस्यीय कमेटी के विवरण आयोग में दर्ता करेले बानी अब उ लोग दावी कर रहा बा कि पार्टी ई है आधिकारिक प्रचंड नेपाल समूह कर रहा बा ई है आधिकारिक आम कम्युनिस्ट के कैसे हुई आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता के कैसे हुई जाल झेल के कोनो और बा अब देखिए 300 में 335 में 435 में सारी लोग है दूसरा करीब 315 को लोग है नहीं बा तो उनने कहेंगे अपने के चौगल 500 आदमी रोड पर से लिया के केंद्रीय सदस्य बनाए थे नहीं उकरो केंद्रीय सदस्य माने वो कम्युनिस्ट पार्टी के वो कौन विधान में कौन विधि में बटे जी जो ओकर कटगिरिया होला केंद्रीय सदस्य में जाए कथी ओकर एगो नियम होला एगो पद्धति होला पर्सा जिला के क्या अवस्था बा बिचारी जी अपने परसा जिला से राजनीति करता नहीं परसा जिला में ओली समूह बरियार बा ओली समूह बरियार बा या कि माधव स्वरूप आप प्रचंड स्वरूप बरियार बा ये भी अपने देखिए ना ली अपने लोगन के कहे के पर ये भाव पर कहे के पर ये फलना बरियार बा चिलना बरियार बा
अब तक कितना काट हो गई बिचारी जी, अब तक कितना काट हो गई, अपने लोग भी क्लियर हो गई कौन कौन कितना में बा, तो अब कुछ चोरावे वाला लुकावे वाला में बातें नहीं है। परसा जिला के अवस्था का बा, परसा जिला के कमिटी में अपने लोग बरियार बानी, नेपाल माधव प्रचंड जौन बा, प्रचंड समूह बरियार बा, कि केपी ओली के बरियार बा कमिटी, पहले से तो केपी ओली बरियार बा कह के यहाँ परसा जिला में हाला बा। केने अपने के केपी ओली जी बरियार बनन, अपने के माधव कुमार पछाड़ी बनन, वैसन विषय नहीं है। देखिए जाल झेल करे वाला लोग एक तरफ बा, जी 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 पार्टी के तरफ रहे वाला लोग एक तरफ बा, अब पार्टी के शुद्ध विचार बोके वाला लोग एक तरफ बा। अब इस चीज कहे के ना पड़ी आ जनता के बुझावे के ना पड़ी, जनता अपने बुझता ये के केकरा वो तरफ बा, कैसन कैसन लोग केने बा, कैसन कैसन केने लोग बा, जनता के बुझावे के ना पड़ी, खोल के कहे के भी ना पड़ी जी। तो बिचारी जी अभिन भी अपने के पार्टी के सचिवालय सदस्य पांच जने मध्य दू जने अभी भी वो लोग एकदम तटस्थ बा, वो लोग कुछ बोलत नहीं के, केने जाए केने ना जाए तटस्थ, वो लोग के भी बात से भी कुछ मतलब फर्क पड़ी बिहान के डेट में पार्टी के, अब संभव बा अपने के लागत अब पार्टी एक लगे रह सकी? पार्टी एक जगह रहबो ना करी, अब पार्टी एक जगह रह ठीको भी नहीं। आम करे करता के अब आम तल नीचा तह के, गांव गांव के, शहर शहर के, नीचा तह के, निचला तह के कार्यकर्ता लोग के क्लियर हो जाए के पड़ल। अब पार्टी दुखेमा में हो गई, पार्टी अब एकदम अपन अलग अलग दिशा से दू गो पार्टी होके जाये, वो एकदम क्लियर होके जाएगा पड़ल। पार्टी अब कथी बाकी रह गई कि पार्टी फिर एक हो, अब दो तिहाई बहुमत के सरकार होते हुए भी व्यक्ति एगो सदने भी गठन कर दल, अब फिर वही पार्टी में रहे खातिर कथी बाकी, अब कथी खातिर एक में रहे के शुद्ध, अब जैसे विचार रहे शुद्ध कम्युनिस्ट बनावे खातिर, शुद्ध कम्युनिस्ट लोग जे बा, अब फिर अपन अपन विचार लेके जाए के पड़ल, जनता ओकरा फैसला करी। चुनाव तो काइए गइल बा, चुनाव होखे वाला बा, पार्टी से केपी ओली के कार्रवाई भाई होइल बा, कार्रवाई उ मनी है पार्टी से, पार्टी के तो अब पार्टी के अध्यक्ष से हटा देवल बा, कार्रवाई इस गलत काम करे वाला आदमी के कार्रवाई तो होखे के चाहिए, वो हम हो कि चाहे केपी ओली होकर चाहे प्रचंड जी होकर। अब बताई देश विदेश भी अपने के जी जी क्या कहो ना, दू तिहाई बहुमत की सरकार तीने ओजे के, तीने कारण के, तीने समस्या के अपना बने व्यक्तिवादी हिसाब से सरकार गिरा दो, इस बापने के संसदे भी गठन कर दो, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के विचार के भीतर पड़ता जी। तो बिचारी जी अपने कहता नहीं कि बिना कारण के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली के अपने देशवासी के नाम में संबोधन सुननी है, अपने सुन ले हो के वहाँ स्पष्ट कहनी कि जब से हम अध्यक्ष बहनी, जब से हम पार्टी के प्रधानमंत्री बहनी, जब से देश के प्रधानमंत्री बहनी, हमरा के कामे ना करे दिल साथी लोग, हमरा के चारू ओरी से घेराबंदी में डाल दे लोग, सही काम ना करे देवे लोग, बार्गेनिंग के बात लोग करे, नगद नारायण के बात करे, नगद में बात कर जाओ बात करे, खाली गुट उपगुट से देश के फंसावे और कम्युनिस्ट आंदोलन के धाराशाही बनावे के काम भइल कहीं ना कहीं से। ओली जी देशवासी के नाम में संबोधन के नियो में वहाँ बतैनी, तो जब कामे अपने ना करे दे हम अध्यक्ष के, अपने कामे ना कर दे प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री क्या करी है? देखिए यह आरोप लगावे बात है, बुझल गेल के ना, यह आरोप लगावे बात जी, जी। अपने के कोनो चीज जोन बा तो ओकरे अगर पार्टी बने तो अपने के पार्टी के कमिटी में बैठ के डिसीजन करें कि ना करें जी, अविश्वास के चलें कि अपने के दांत पगार जी बिचारी जी, एगो टीम के तरफ से, एगो टीम के तरफ से अविश्वास के प्रस्ताव दर्ता भइल पर राष्ट्रपति के महाअभियोग लगावे तकले के बात जब भइल, तो ओकर परिणाम के स्वरूप एगो दू गो पार्टी के आंतरिक विवाद के कारण प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस के नेता लोग के भी बात अपने लोग सुनी, अपने लोग के दू गो पार्टी के घर के विवाद के कारण आज देश इस स्थिति में पहुंचल बा, वो लोग आरोप लगा रहल बा, बिहान अपने लोग जनता के बीच में कैसे जाए? गाना रखल जाओ हमदी के बीच के वाला बना, व्यक्ति के विषय के चलते बोल बा, पार्टी के हिसाब विचार नहीं के हमनी के, अब जैसे समाज अब अपने के नेपाली कांग्रेस के कही या चाहे अपना मधेशी दल लोग के कही, एमे लोग नहीं ने कह सकते कि माधव नेपाल के गलती के चाहे खेमा के चाहे वो खेमा के हिसाब किताब से, यहाँ तो अब व्यक्तिवादी के चलते ही दोष लग लगा रहा बा,
अब दोष जो लगा रहा बा तो हम दोषी बन तो हमारे दोष तो लगाए के पड़े रो जो दोषी बा ओकरा के दोषी कहे के पड़े ओकरा के छुपा के रखे के ना होई कोई कहे ना हो जी जी हम रह गए कि दोषी के अपने लुका के रखे ओकरा के बचा के रखे तो ऐसा के घटना जाके घटी जो आज घट रहा आज घट गई आज संविधान के उल्लंघन करके एगो प्रधानमंत्री चल रहा बा हिसाब किताब से आज ऊपर ऊपर वो पढ़ते हुए भी पूरा होल नेपाल के ना दुनिया के कम्युनिस्ट के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देलो जी बिचारी जी अपने हमरा के ई भी बात बताई कि ई सब गतिविधि से देश में एगो राजनीतिक गैपिंग के अवस्था से ई देश में राजनीतिक संकट के अवस्था से नेपाली आम नेपाली जनता के आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता लोग के डेराय के अवस्था बा देश के कहीं गणतंत्र संघीयता लगाए के चीज प्राप्त उपलब्धि के दबावे के खत्म करे के समाप्त करे के कोनो खेल होके के संभावना नहीं खेनु देखो जाओ ई जे संविधान के विरोध में आज उतरल बा कुछ भी कर सकता गणतंत्र पर भी खतरा के में रह सकता संघीयता पर भी खतरा में रह सकता जे संविधान के विरोध में जे प्रधानमंत्री बा संविधान के विरोध में उतरल बा संविधान के उल्लंघन क के ही काम जोर भइल बा वो आदमी कुछ भी कर सकत ऐसे सचेत भइल आम पब्लिक के सारी पार्टी दल वाला लोग के सचेत भइल एकदम जरूरी बा बिचारी जी अब पार्टी किरकरा हाथ में रही पार्टी लोग प्रश्न बटन देखत नहीं कि अपने पार्टी अब किरकरा हाथ में रही अब यहाँ तो पार्टी तक रही है अब चीन से आदमी चीन से पढ़ने को एक तरफ बा बाकी कुछ लोग न्यूट्रल था अब 25-50-60 गो लोग किसी कॉम्रेड के तरफ लोग बा तो पार्टी तो जहाँ केंद्रीय सदस्य लोग के बहुमत रहला उन्हें रहला तो पार्टी तो नहीं रही माधव नेपाल के संगे रही प्रचंड के संगे रही दोनों तरफ से नियुक्ति हो रहा बा धमाधम केंद्रीय सदस्य और अध्यक्ष अपने हट जाए अपने केंद्रीय सदस्य बन जाए अपने फलाना चीज बन जाए दोनों तरफ से ई हो रहा बा नियुक्ति के तो बात कहनी नियुक्ति तो उन्हें से वैकेंसी तो उन्हें खुलल बा नू इपी कॉम्रेड के तरफ से वैकेंसी खुलल बा तो वैकेंसी में जे जे जाता अगल बगल में जाता वो केंद्रीय सदस्य हो जाता लगाऊ न जाए के परी अगल बगल में खाली फनकार हो जाता तो केंद्रीय सदस्य हो जाता अपने कम्युनिस्ट पार्टी के बिने विधि के बिने विधान के ही 12-13 मने केंद्रीय सदस्य एक बेर 5-5 आदमी के थपल केंद्रीय सदस्य ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के विधि में पड़ला विधान में पड़ला वो में भी साथी लोग कि हम बधाई दे हम एकदम खुश हो जाता हम केंद्रीय सदस्य हो गए नहीं और टंका दी जब बात था लगी ये केंद्रीय सदस्य पानी की नहीं थी तू तो समय बताई जी अब बिचारी जी का कहम अपने हमनी के कार्यक्रम के अंत भी आगे बनी का कहम परसा जिला के आम कम्युनिस्ट कार्यकर्ता लोग के देश के आम कम्युनिस्ट कर्ता के मदेश के मदेश कम्युनिस्ट आंदोलन के उर्वर भूरी किसान लोग के उर्वर भूमि किसान आंदोलन के उर्वर भूमि बा मदेश बारह परसा रौटहट के नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के आंदोलन अभी भी आंदोलन के जौन मांग रहे प्राप्त होके नहीं के सकल का कहम अपने जनता के हम ये कहे के चाहें अपने के सबसे पहले अपने के रेडियो के हम धन्यवाद देव के चाहें बधाई भी देव के चाहें कम से कम अपन बात रखे के और जनता में ले जा देव खातिर आज दू शब्द हमारा रखो नहीं है एक खाली बहुत बहुत धन्यवाद बा हम सारी कम्युनिस्ट पार्टी के साथी लोग को अनुरोध करे के चाहें कि लगभग अपना पार्टी ई के पी ओली जी ई संसद भी गठन कर रहे पार्टी खत्म हो गई वह के वैसा निराशा ना बैठे के फिर अब से जो कमी कमजोरी बा जो उनकर जो विचार बा जो विचार खराब बा वो विचार के तरफ ना जाए के जे कम्युनिस्ट विचार सही बा ओकरा तरफ में ला के फिर कम्युनिस्ट पार्टी के काम करके अपन पार्टी के फिर आगारी बढ़ावे खातिर हार्दिक अनुरोध करे के भी हमका बिचारी जी लेकिन नेपाली कांग्रेस कह रहल बा और विपक्षी दल के नेता लोग भी कह रहल बा कि नेपाली कम्युनिस्ट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल से अब समाप्त हो गई
अब कोनो महत्वपूर्ण अब भूमिका में ना रही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, अब देश के एकमात्र अब पार्टी के रूप में नेपाली कांग्रेस आई, अब नेपाली कांग्रेस ही देश के निकास दे सकी, नैया के पार लगावे सकी, बात सब आ रहा बा। अब जनता काहेला दी कम्युनिस्ट पार्टी के वोट? कम्युनिस्ट पार्टी के नेपाली कांग्रेस लोग पहले भी कहले रहे जे कम्युनिस्ट आई तो एक में नाथ में खी आई बुढ़वा के गोली मार दी, पहले भी कहले रहे। फिर भी कम्युनिस्ट बढ़ते बढ़ते आज 2006 साल से आज इतना दूर तक ले गई बा। कम्युनिस्ट पार्टी कह दिला से और आ जाए वाला नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी एक ऊंचाई में जाए, एक ऊंचाई बढ़ी, ये जो वो सदन विघटन कर दिला से कम्युनिस्ट और आ जाए वाला हिसाब किताब नहीं, ये कह रहा बा ऊपर भूल बा। जनता जनता फेनु कम्युनिस्ट पार्टी के जनमत दी अपने के पूरा विश्वास बा। देखिए एकदम भी ना देव के सवाल है ना, खराबी कहाँ बा, बेस्ती जो खराबी कोई बा ओकरा के नाती। हमने तो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जो सच्चाई के तरफ में वो पार्टी जो उगल बा वो अपने पार्टी के जो गलत कर रहा बा ओकरा के औसा लगा रहा बा, ओकरा के लोग वोट काहे ना दी, ओकरा के लोग काहे ना चाहिए, ओकरा में तो पय नहीं है, जेकरा में खराबी बा ओकरा के ना दी। अब चुनाव आई तो था लगी जी बिहान अंत में बिचारी जी बिहान जौन घटना घटल अपने के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बिंदवासनी में बिहान फेन पार्टी में चाहे कोनो आम कार्यकर्ता के ऊपर वैसन घटना ना घटो के तरफ परसा नेकपा अभी और परसा के कम्युनिस्ट आंदोलन की योद्धा लोग कितना गंभीर बा इस विषय में। बिहान अभी गंभीर मोड में बा, अभी बहुत चीज जनता के देखे के बाकी बा, मीडिया में आ रहा बा। अब तो शुरू हो गई बा पार्टी ऑफिस कब्जा करे के, पार्टी के कब्जा करे के, लेटर पैड कब्जा करे के खेल सब होखेला ऐसा अवस्था में। बिचारी जी अपने के पता बा बिहान बिंदवासनी में जौन घटना घटल वैसन घटना परसा जिला में फेरू ना घटो तरफ कम्युनिस्ट योद्धा लोग अपने लोग जौन अग्र पंक्ति के नेता लोग बा इस विषय में अपने लोग कितना गंभीर बानी? देखो जाओ ये अपने के बहुत अच्छा बात है उठाई नहीं, अभी भी वैसन लोग बा उठाई करी, मगर वैसन का हिसाब किताब में कोई साथी लोग वैसन का कर रहा बा गलत काम कर रहा बा, वो गलत ना करे के भी चाहिए। अब रह गल की वैसन कोई विषय बा तो बैठ के छल फल के विषय में जाए के चाहिए, वार्ता के विषय में जाए के चाहिए, बात से कम छल फल में जाए के चाहिए, बातें से कम नियम कानून भी बा देश में, नियम कानून से भी जाए के चाहिए। और निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग के अब निर्णय के इंतजार करे के चाहिए आम कार्यकर्ता के, अब अपने के क्लियर हो जाए। निर्वाचन आयोग जो जहाँ फैसला करी जो कानून जो बटे जो कानून के फैसला के तो सबका माने के पड़ी। अब जैसे मानता नहीं आज अपने के सर्वोच्च में पड़ल बार 10 बजे से सुनवाई हुई, अब उमे भी अदालत क्या फैसला करता, अदालत के रास्ता देखे के भी चाहिए, अदालत जो फैसला करता माने के भी पड़ी चाहिए, अब माने के भी पड़ी। अब उसे निर्वाचन आयोग एक के अधिकारी के दी जे अधिकारी कोई वह पार्टी कब्जा करो वही में रहो, विवाद के लेके का जरूरी बा, जे नहीं के ओकरा के फिर नया से पार्टी बनाई, विवाद करके मारपीट करके जो आदमी मर जाए फिर फिरता ना आई, तो ऐसा चीज हम कोई साथी अगर जोश बा आक्रोश बा तो आक्रोश भीतर ही रख के अगाड़ी ना पढ़ा के हम साथी लोग अनुरोध करें कोई ग्रुप को हो मारपीट ना हो भर विवाद ना हो कानूनी हिसाब से जाए के पड़ल इतना हम अनुरोध करे के लिए। जी बिचारी जी हमनी के समय देनी है व्यस्त अपने के समय के बावजूद एक बार फिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद हमनी अपने से छुटे। ठीक बात धन्यवाद जी। और आज हमनी के संविधान सभा सदस्य बिचारी यादव जी हमनी के साथ में रेडियो सानवी 96.4 MHz के कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में हमनी से बातचीत कैनी है और उनकर बात से जनता जनार्दन होला। हम पहले भी अपने के बताते आ रहा बानी और जनता के निर्णय ही सर्वोपरि बा, तो जनता के एगो सही निर्णय सही दिशा और सही एगो निर्णय लेवल जरूरी बा, उ अनुसार से देश के अग्रगामी दिशा में बढ़ावल जरूरी बा। आज के कार्यक्रम सुन देनी है तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के, हमनी के मदेश के, हमनी के तराई के, हमनी के बारा पसार उठहट के तमाम हमनी के भोजपुरिया दोस्त लोग के, देश विदेश में हमनी के ऑनलाइन सुन रहा हमनी के भोजपुरिया साथी लोग के, और साथे हमनी के फेसबुक में लाइव में हमनी के साथ में जुड़ रहा बनी उ साथी लोग के भी, और हमनी के यूट्यूब चैनल में भी आके हमनी के फॉलो कर रहा बनी उ साथी लोग के भी, सारा लोग के हम यहाँ से बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहे। ठंडा मौसम में गर्मा गर्म हम एक बेर फिर अपने लोग के
विदाई होके से पहले कहें कि जाड़ा के मौसम में जाड़ा से अपने मजाक ना कर जाओ, एकरा के कैसे जाड़ा से बचल जाए, बढ़िया से कपड़ा उपड़ा लगा के गाड़ी ओड़ी चलाएला में कम से कम हाईवे में निकलना में ये सब चीज़ के ध्यान देवल जाओ। और ट्रैफिक नियम जौन बा अभी ठंडा के मौसम में हुसू हुसू लगला से बहुत ही दुर्घटना होके के संभावना रहेला, ये सब चीज़ के भी अपने लोग मनन करी आगे बढ़ी। जान रही तो जहान रही कहल जाला। और आज के कार्यक्रम में हमनी के प्रविधि की ओर से सहयोग करे वाला सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब समय भइल बा समाचार के ओर चलल जाए। और अभी के खतरा हम अपने से विदा चाहें, बिहान फेन भेंट होई। नमस्कार, प्रणाम। नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो।